गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पत्र लेखन का पार्ट सेकंड रीड करेंगे। बेटा, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज जो है अभी भी हम अनौपचारिक पत्र का ही पार्ट सेकंड रीड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं, घरेलू पत्र। ये पत्र अपने मित्रों, संबंधियों या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं? या तो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र हम किस किस चीज़ के लिए लिखते हैं, बधाई देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, शुभकामना पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, संवेदना पत्र होता है, सूचना पत्र होता है, ये सब क्या होते हैं? अपने अनौपचारिक पत्र होते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें भेजने वाले का पता। क्या लिखते हैं? भेजने वाले का पता। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे परीक्षा भवन, ओके, नई दिल्ली। ये हो गया हमारा भेजने वाले का पता। अब नेक्स्ट अपन को लिखना है दिनांक लिखना है। जैसे अपने दिनांक लिख दी इसमें, जैसा लिख दिया अपन ने 15 दिसंबर 2020, ये हमने दिनांक लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है संबोधन। मैंने आपको बताया था संबोधन करने के लिए मैंने आपको वर्ड बताए थे, कौन कौन से बताए थे? प्रिय, पूज्य और प्यारी। कौन कौन से बताए थे? प्रिय, पूज्य और प्यारी। ये कौन से थे अपने संबोधन करने के वर्ड है? तो आपको पता है आपकी नानी जी है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें? पूजनीय, पूज्य नानी जी, पूजनीय नानी जी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपको अभिवादन बताया मैंने। अभिवादन करने के लिए मैंने क्या बताया था? नमस्ते, चरण वंदना या खुश रहो, ठीक है, बताया था। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो संबोधन के लिए प्यारी नानी जी या पूज्य प्यारी नानी जी लिख सकते हो। प्यारी नानी जी, ठीक है, प्यारी नानी जी लिख सकते हो, ओके। अभिवादन के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हो? चरण वंदना लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे चरण वंदना लिख सकते हो, चरण वंदना। नेक्स्ट संदेश। ये आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए आपको ये चीजें यहाँ पे लिखनी है, ओके। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, आदरणीय नानी जी, प्यारी नानी जी, आदरणीय नानी जी, ये भी लिख सकते हो आप, आदरणीय भी लिख सकते हो, आदरणीय नानी जी आप लिख सकते हो, ठीक है। सादर प्रणाम, ये भी अभिवादन में आप चरण वंदना भी लिख सकते हो, सादर प्रणाम भी लिख सकते हो, सादर प्रणाम, प्रणाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको भी बता दिया, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको लिखना है संदेश। अब सपोज करो अपना संदेश क्या है, हम क्या संदेश देना चाहते हैं, ये अब अपन को लेटर लिखना है, वो अपन ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ संदेश में अपन संदेश लिखते हैं, क्या संदेश है अपना? जैसे अब हम संदेश देना चाहते हैं नानी जी को, हम सब यहाँ पर कुशल है, आप लोग कैसे हैं? आपने मामा जी, आपने मामा जी के साथ, मामा जी के हाथ जो आम भेजे थे वे हम सभी ने खाए,
बहुत मीठे और रसीले थे। इस बार छुट्टियों में मैं आपके पास रहने आऊंगी, ठीक है? रहने आऊंगी। नाना जी नाना जी और मामा जी को मेरा प्रणाम, ठीक है? आपकी नातिन मेघा सचदेव, ठीक है? समाप्ति हो गई। ओके, ये आपका दूसरा औपचारिक पत्र हो गया, ठीक है? नातिन का अपने नानी जी को रसीले आम भेजने के लिए धन्यवाद पत्र, ठीक है? हम सब यहाँ पर कुशल है, आप लोग कैसे हैं? आपने मामा जी के हाथ जो आम भेजे थे वे हम सभी ने खाए, आम बहुत मीठे और रसीले थे। इस बार छुट्टियों में मैं आपके पास रहने आऊँगी। नाना जी और मामी जी मामा जी को मे नाना जी और नाना जी और मामी जी को मेरा प्रणाम, आपके नातिन मेघा सचदेवा। ये बेटा आपको ये पत्र आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? ओके, अच्छी तरह से। एकदम गुड हैंड राइटिंग में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।